नमस्कार दोस्तों, आज मार्केट लगभग पूरा के पूरा साइडवेज रह गया, इसीलिए आज मेरा एक भी सेटअप नहीं बना है। लेकिन फिर भी हमने एक ट्रेड किया है जिसमें लगभग 3,047 रुपया मेरा आज के लॉस है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कहां पर मेरा लॉस हो गया था। यहां पर चार्ट खोल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पूरा दिन भर कैसे एकदम साइडवेज था, जिसके कारण मार्केट में हम 2-3 घंटा सो भी गए, उसके बाद भी कुछ मतलब कि नहीं हुआ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए कैसे एकदम साइडवेज किया हुआ था, एकदम पूरा साइडवेज मतलब कि ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं गया है। और हम ये 3 बजे वाला कैंडल में ट्रेड लिए हुए थे, तो हमको लगभग 6 पॉइंट का जैसे लिए वैसे लॉस दे दिया। तो हम लगभग 5 पॉइंट का या 4 पॉइंट का लॉस देते, लेकिन 6 पॉइंट का लॉस हमको मिल गया, इसीलिए वहीं पर मार्केट क्लोज कर दिए। तो आज के मेरा लगभग आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कि 3,000 लॉस है। आप लोग देखिए, यहाँ पर खरीदे थे 116 पर और लाकर 109 पर बेचे, 109 एंड 10 पर एक से बेचे, 109 रुपया 91 पैसा पर। तो वहीं यानी हम 6 पॉइंट का लॉस बुक किए हैं आज। तो मेरा सेटअप नहीं बना था 3 बजे वाला कैंडल, वो कभी कभी मन करता है तो कर लेते हैं, क्योंकि दिन भर में कोई भी एक ट्रेड नहीं मिला था, इसीलिए आज हम 3 बजे वाला कैंडल पर करने आए, नहीं तो हमेशा 3 बजे वाला कैंडल हम नहीं करते हैं। धन्यवाद।